नमस्ते। आज हम 6 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आपको करंट अफेयर्स के डेली पीडीएफ लगते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको डेली पीडीएफ मिलते रहेंगे। इस लेक्चर के एंड में हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करने वाले हैं जो कि आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहेंगे, तो एंड तक बने रहिए और जो भी आपको सही आंसर लगते हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखते चलिए। तो चलिए, जो पहला हमें न्यूज देखने मिल रही है वो है लैंडस्लाइड को लेके, जो कि वेस्टर्न घाट में फिलहाल देखने मिल रही है। न्यूज का सबसे बड़ा टॉपिक है लैंडस्लाइड्स इन वेस्टर्न घाट, और ये आपको देखने मिल रहा है सिलेबस इसका GS3 में। अब यहाँ पे जाने के पहले मैं आपको कुछ उसके बहुत जो इंपॉर्टेंट वीडियोज है वो दिखा देता हूँ, जो ओरिजिनल वीडियोज है। इसका जो हमने सोर्स लिया वो मिरर नाउ है, मिरर नाउ से वीडियो लिया गया है, न्यूज चैनल है। ये किस तरह से ब्रिज और ये सब टूट गए हैं लैंडस्लाइड के कारण, लोगों के बहुत ज्यादा हाल हो रहे हैं, हालत खराब है वायनाड में, केरला में। इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं जो लोग फंसे हुए हैं उनके। सो बहुत बुरी सिचुएशन है, आप देख रहे हर जगह केरला में। सो वायनाड डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा अभी मुश्किल में है, हर जगह पानी बह रहा है, हर जगह से लैंडस्लाइड हो चुकी है। तो यही लैंडस्लाइड को लेके बहुत ज्यादा बारिश हुई, लैंडस्लाइड हुआ इस। सो चलिए, अभी आपने जो वीडियो देखा वो था वायनाड के लैंडस्लाइड का, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ पास्ट फ्यू डेज से, पिछले कुछ दिनों से वायनाड में, आपको केरला का जो वायनाड नाम का डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आपको न्यूज में वो हमेशा देखने मिल रहा है, क्योंकि वहां पे लैंडस्लाइड हुआ है। और ऐसा देखा गया है कि वहां पे 100 से ज्यादा लोगों की वहां पे डेथ भी हो चुकी है, वो अपनी जो भी जान थे वो गवा चुके हैं इस लैंडस्लाइड में। तो बैकग्राउंड क्या है, कुछ पास्ट डिकेड से यानी कुछ पिछले 10 सालों के आसपास के टाइम से केरला में बहुत सारे क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स देखने मिल रहे हैं। कभी आपने देखा कुछ साल पहले कि केरला में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, उसी तरह से बहुत ज्यादा लॉस हुआ। इस बार आप केरला में देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड्स हुए, लैंडस्लाइड्स के कारण और ज्यादा प्रॉब्लम होते जा रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर केरला में बनाने की जरूरत है फिलहाल जो क्लाइमेट रेजिलिएंट रहे, यानी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंजेस जो आ रहे हैं उस कारण उस पर असर ना पड़े, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे ब्रिजेस, ऐसे रोड, ऐसे घर, ऐसे बिल्डिंग्स बनाने की जरूरत बहुत ज्यादा दिख रही है केरला में। पिछले 10 साल से जो भी केरला में हो रहा है उसके बाद तो ऐसा ही लग रहा है। अब सबसे पहले की कॉजेस एंड टेकअवेज देखते हैं। तो पहला मैं आपको बता दूं कि लैंडस्लाइड ट्रिगर, अब सबसे पहले लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे, जो लैंड होती है वो पूरी की पूरी पानी के कारण वो गीली होके पूरी बहते जा रही है पानी के साथ, ये आपको दिख रही है। क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल है, बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल हो रहे हैं बाय द वार्निंग ऑफ अरेबियन सी। तो केरला के पास जो अरेबियन सी है वहां पे होता है इवापोरेशन, और वहां के कारण जो क्लाउड बन के केरला तक पहुंच रहे हैं उस कारण बहुत हेवी रेनफॉल देखने मिल रहा है, और हेवी रेनफॉल के कारण ही यहाँ पे लैंडस्लाइड है। जैसे कि आपने देखा कि जमीन की जमीन टूटती जा रही है, अभी आपने कुछ वीडियोज में देखा। उसी के साथ साथ साउथ ईस्ट अरेबियन सी जो है, अरेबियन सी का जो साउथ ईस्ट पार्ट है जो कि केरला में आता है, ये साउथ ईस्ट पार्ट रहेगा अरेबियन सी का, यहाँ पे आपको केरला देखने मिलेगा। तो ये जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा वार्मर हो गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ी और इस कारण एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी हो गई। अब जितनी गर्मी पड़ेगी उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा, और जितना इवापोरेशन होगा उतने क्लाउड्स बन के उनका कंडेंसेशन के थ्रू वहां रेनफॉल होगा, इसलिए केरला में बहुत भारी रेनफॉल आपको देखने मिली है। पूरे वेस्टर्न घाट्स में बहुत भारी रेनफॉल है, केरला को इंक्लूड करा के बहुत रेनफॉल है। तो पहला है लैंडस्लाइड ट्रिगर, दूसरा है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। कुछ एरिया है 2011 में वेस्टर्न घाट का जो इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल थे जिसके हेड थे इकोलॉजिस्ट माधव गाड़गिल, तो माधव गाड़गिल जो है उन्होंने जो हमारा वेस्टर्न घाट है उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया करके डिक्लेयर कर दिया है। ये पॉइंट को अच्छे से याद रखना, वेस्टर्न घाट पे क्वेश्चन आएंगे आपको। कमिटी का नाम गाड़गिल कमिटी, उन्होंने जो वेस्टर्न घाट है उसको 2011 में इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया, यानी इस वेस्टर्न घाट जो है ये बन गया है
ESA, उसी के साथ साथ जो गाड़गिल कमिटी है उनके रिकमेंडेशन थे कि वहां पे कंस्ट्रक्शन खत्म बंद हो जाने चाहिए। जो वेस्टर्न घाट का एरिया है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बंद कर देना चाहिए फिलहाल, वहां पे लैंड में माइनिंग नहीं करनी चाहिए, और इतना ही नहीं तो स्टोन के लिए कॉरिंग एक्टिविटीज और ये सब बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो एक हॉटेस्ट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक है। वहां बायोडायवर्सिटी भी बहुत अच्छी है, और अगर हम वहां पे ये सब एक्टिविटीज करेंगे तो वहां बायोडायवर्सिटी खतरे में आ जाएगी, इसलिए ये रोकना चाहिए इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। और अभी आप देख रहे हैं कि वहां इतनी बारिश हुई तो माइनिंग और ये सब वैसे भी बहुत धोखे वाला काम यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हमें डिस्टर्बेंस नहीं करने चाहिए, ये हमें पता चलता है। तीसरा है रिकरिंग डिजास्टर्स, वहां पे आपको डिजास्टर्स बहुत सारे देखने मिलते हैं। 2019 में आपने देखा कि केरला के जो हिली रीजन थे वहां पे बाढ़ जैसे सिचुएशन देखने मिली, तो हम यही कहेंगे डिस्पाइट क्लियर वार्निंग्स, एक्सपर्ट ने क्लियर वार्निंग दी थी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करने चाहिए, विदाउट परमिशन ये एरियाज में कंस्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए, जब 2019 में घटना हुई थी तभी ऐसा बोला था, टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज पे बैन करने की बात की थी, ऐसी सब बातें होने के बाद भी वहां पे ये सब हुआ तो ये सब प्रॉब्लम्स जाएगी ही। कंस्ट्रक्शन हुए हैं रोड्स के और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए इस रीजन में, ये जितने भी थे वो साइंटिफिक प्रेसिशन के साथ ही होने चाहिए थे, एनवायरमेंटल इंपैक्ट देख के ही करना चाहिए था वहां पे ये सब चीजें। तो तीसरा है रिकरिंग डिजास्टर, वहां डिजास्टर हमेशा आते रहते इसलिए पहले से ही वहां पे प्रिकॉशंस लेना जरूरी था। तो पहला आपने देखा लैंडस्लाइड ट्रिगर, दूसरा आप देख रहे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, तीसरा आप देख रहे रिकरिंग लैंडस्लाइड, चौथा आप देख रहे लैंडस्लाइड प्रोन एरिया। अब कुछ एरिया ऐसा है वहां का जो कि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया जो होता है वहां पे हर बार लैंडस्लाइड होने के चांसेस होते हैं, तो लैंडस्लाइड होने के जो चांसेस आपको देखने मिल रहे हैं वो इस एरिया में देखने मिलेंगे। तो आपको ये बता दूं कि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया जो होता है वहां पे, जैसे मैंने बताया कि ये चौथा एक यहाँ पॉइंट है, यहाँ क्या होता है कि नियरली केरला का आधे से ज्यादा एरिया जो है वहां पे हिल्स है, और आपको तो पता है जहां हिल्स और माउंटेन्स होते हैं वहां पे लैंडस्लाइड होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, पहाड़ होता है पहाड़ के यहाँ से जमीन गिरने लगती है, ये पूरा ये लैंडस्लाइड यहाँ देखने मिलते हैं, तो ये बहुत खतरनाक एरिया माना जाता है। तो यहाँ पे स्लोप जो है ये 20 डिग्री को एक्सीड करते हैं, यानी 20 डिग्री से ज्यादा के स्लोप है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्लोप इतना ज्यादा है कि वहां लैंडस्लाइड होने के चांस बहुत ज्यादा, अगर हेवी रेन हो जाती है तो लैंड नीचे गिरेगी पहाड़ से, ये देखने वहां मिलता है। तो हम यही कहेंगे कि जो भी चेंजेस और डेवलपमेंट एक्टिविटीज है वो कहीं ना कहीं हमने क्लाइमेट को ध्यान रखते हुए ही करना चाहिए, ये हमें पता चलता है। तो ये है लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज। पांचवी बात यहाँ पे अगर की जाए तो इम्पैक्ट ऑफ डिप्लेटिंग फॉरेस्ट खत्म किए जा रहे हैं। हम क्या 2022 की स्टडी ये बोल रही है कि फॉरेस्ट जो है वायनाड के वो काटे गए हैं अगर 62% तक, तो हम कहेंगे कि इतना ज्यादा ग्रीन कवर अप जब डिसअपियर हो गया है 1950 से 2018 के बीच में, बहुत सारे 62% फॉरेस्ट को काट दिया गया है, तो प्लांटेशन कवर जो है रोज बाय अराउंड 1800%। तो हम यही कह रहे हैं कि डिप्लेटिंग फॉरेस्ट इन वायनाड ये रिवील करता है दैट 62% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ग्रीन कवर डिसअपियर, इतना डिसअपियर हुआ है, वाइल्ड प्लांटेशन कवर जो है वो 1800% से बढ़ा भी, तो कम भी किया बढ़ाया अभी, बट प्रॉब्लम ये है कि ये सब चीजों के कारण और तकलीफें जाती है, आप वहां पे फिर से पेड़ काटो, फिर से लगाओ, फिर से काटो, फिर से लगाओ, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो ये सब चीजों पे भी थोड़ा सा ध्यान रख के करना चाहिए। और अब ये जो देखने मिल रहा है वो है वायनाड ट्रेजेडी की अगर बात करें तो हमें यहाँ देखने मिल रहा है कि हमें बैलेंस बना के काम करना चाहिए नेचर के बीच में और ह्यूमन एक्टिविटीज के बीच में। ह्यूमन एक्टिविटीज करो बट नेचर पे ध्यान रख के करो, नहीं करोगे तो इस तरह के प्रॉब्लम्स देखने मिल सकते हैं। तो ऐसी वार्निंग्स, इकोलॉजिकल वार्निंग्स पहले भी मिली है, बहुत ज्यादा बारिश आती है तभी हमने संभल जाना चाहिए, तभी हमने सुधर जाना चाहिए, नहीं तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में हम फंस सकते हैं। तो यही सब चीजें जो केरला में इस बार देखने मिली है, तो केरला का वायनाड जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल में है, और ये जो वायनाड का लैंडस्लाइड वाला जो अभी इवेंट होते हुए दिख रहा है इसकी जो न्यूज अभी आपको देखने मिली ये इंडियन एक्सप्रेस से हमने कवर की है। तो केरला के लैंडस्लाइड के आपने कुछ वीडियोस भी देखे, केरला के लैंडस्लाइड जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स आ रहे हैं। एक और करंट अफेयर हमें देखने मिल रहा है वो है डार्क टूरिज्म को लेके। डार्क टूरिज्म एक नया कंसेप्ट है जो न्यूज में आ गया है। डार्क टूरिज्म यानी हम कहेंगे कि जो टूरिस्ट आना जाना करते हैं या फिर जो भी टूरिज्म बढ़ाना है या कम करना है वो डार्क वाला कौन सा है ये देखते हैं। तो डार्क टूरिज्म जो है ये इवेंट कवर होता है करंट इवेंट्स में। करंट इवेंट से आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। केरला में रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, अभी मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया कि किस तरह से जो जो फोर्सेस है हमारी
नेशनल डिजास्टर रिलीफ या फिर जो भी है, ये जितनी भी फोर्सेस है ये किस तरह से काम कर रही है ताकि लोगों को वहां से निकाला जाए। एनडीआरएफ काम कर रही है, एसडीआरएफ काम कर रही है, तो नेशनल डिजास्टर वाले, स्टेट डिजास्टर वाले सब काम कर रहे हैं और लोगों को वहां से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे वायनाड में ये कंटिन्यूअसली चल रहा है और कैटास्ट्रोफिक लैंडस्लाइड्स भी यहाँ पे हो रही है। तो केरला पुलिस ने इशू किया है एक वार्निंग जिसमें लोगों को ये कहा गया है कि अवॉइड कीजिए डार्क टूरिज्म, डिजास्टर स्ट्रिकन एरियाज में अब डार्क टूरिज्म मत लाइए, उसको अवॉइड कीजिए। तो डार्क टूरिज्म न्यूज में आ गया। अब सबसे पहला सवाल है कि डार्क टूरिज्म होता क्या है। बैकग्राउंड में जाते हैं तो वार्निंग पोस्ट की है सोशल मीडिया में कि हमें कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं तो वहां पे फिलहाल टूरिज्म रोक दीजिए, क्योंकि अगर टूरिज्म भी करोगे तो इट विल क्रिएट डिस्टर्बेंस, जो हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें डिस्टर्बेंस होगा और ये टूरिज्म डार्क टूरिज्म होगा। अब डार्क टूरिज्म होता क्या है ये कंसेप्ट को पढ़ना जरूरी है क्योंकि न्यूज का है, ये एक न्यूज बन चुकी है। तो डार्क टूरिज्म सबसे पहली चीज जो बता रहा हूं वो समझिएगा, डार्क टूरिज्म को ब्लैक टूरिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये टैना टूरिज्म या फिर ग्रीफ टूरिज्म भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम है। ये ऐसा टूरिज्म होता है दैट इज एसोसिएटेड विद डेथ। ये टूरिज्म डेथ से रिलेटेड है, सफरिंग से रिलेटेड है, ट्रेजेडी से रिलेटेड है। पहले ही लोग फंसे और टूरिस्ट को बुला के और उनको ऐसे चीजों में फंसाना ताकि वो भी सफर करे, उनकी भी डेथ हो, उनको भी ये ट्रेजेडी फेस करनी पड़े, ऐसे टूरिज्म को ब्लैक टूरिज्म या डार्क टूरिज्म कहा जाता है। ये टूरिज्म रुकना चाहिए, ऐसे वक्त जब प्रॉब्लम जा रही है तब टूरिस्ट को अलाउ नहीं करना चाहिए, अगर फिर भी किया जा रहा है तो ऐसे सिचुएशन को डार्क टूरिज्म कहते हैं। डार्क टूरिज्म जो होती है इट एनकम्पेसेस टूर ट्रैवल टू साइट लिंक टू इवेंट सच एज जेनोसाइड, जहां पे मास किलिंग्स हुई है, जेनोसाइड हुए हैं वहां पे रोका जाना चाहिए, जहां असैसिनेशन हुए हैं, कुछ लोगों को मारा गया है वहां रोकना चाहिए, या फिर हम कहेंगे इनकार्सरेशन हो रहे हैं, एथनिक क्लिनजिंग हो रही, वॉर हो रहे, नेशनल डिजास्टर हो रहे, जितनी भी चीजें हैं कहीं ना कहीं किसी रेस को मारा जा रहा है, कहीं वॉर चल रही, कहीं पे कोई नेशनल डिजास्टर हो गया, नेचुरल डिजास्टर जैसे केरला में हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, तो ये सब चीजें जहां भी हो रही वहां पे टूरिज्म को फिलहाल रोकना चाहिए, यही डार्क टूरिज्म कहता है। बट ऐसे जगह भी टूरिज्म ये डार्क टूरिज्म नहीं कहता है, डार्क टूरिज्म है ऐसे जगह पे भी आप टूरिस्ट को अलाउ कर रहे आना, तो ऐसे सिचुएशन को, ऐसे टूरिज्म को डार्क टूरिज्म कहा जाता है। इसमें क्या होता है, विजिटर्स आर ड्रॉन टू दिस लोकेशंस, उनको अलग अलग रीजन के कारण वहां पे वो लोग जाते हैं, उनको क्यूरियोसिटी होती है देखने की कि वो जगह कैसी है, कैसे दिखती होगी, क्या है क्या नहीं, या हिस्टोरिकल उसके कुछ वैल्यू है, वो देखने कुछ लोग जा रहे हैं और लोगों को जाना अलाउ भी कर रहे हैं। तो वाइल सम व्यू डार्क टूरिज्म एज एन एक्ट ऑफ रेस्पेक्ट, अदर कंसिडर इट कॉन्ट्रोवर्शियल, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जा रहे हैं ताकि रेस्पेक्ट कर रहे हैं उस जगह को कि नहीं भाई हमें भी जाना चाहिए, हमें भी पहुंचना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं ये निगेटिव है, ये जो है ये कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है डार्क टूरिज्म। अब डार्क टूरिज्म साइट्स के एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। अब हमने देखा कि डार्क टूरिज्म क्या है। सबसे पहले चेर्नोबाइल डिजास्टर जो हुआ था यूक्रेन में, जो चेर्नोबाइल डिजास्टर था ये एक एग्जाम्पल है डार्क टूरिज्म का। इस 1986 में एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था चेर्नोबाइल करके, जो है वहां पे न्यूक्लियर प्लांट, वो वहां पे जैसे हमारे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उस तरह से चेर्नोबाइल डिजास्टर था। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये प्रोमिनेंट डार्क टूरिज्म यहाँ देखने मिला, क्योंकि विद गाइडेड टूरिज्म टूर्स यहाँ अवेलेबल कराए गए थे। अगर आपको देखना है चेर्नोबाइल डिजास्टर तो आप जाके देख सकते हैं, गाइडेड टूरिज्म रहेगा, गाइड के साथ आपको वहां पे भेजा जाएगा, आपको पूरा दिखाया जाएगा किस तरह से, दिस इज डार्क टूरिज्म। गलत फायदा उठाया जाता है जब भी कोई गलत इवेंट होते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल जो देखने मिल रहा है वो है ऑशविट्स करके, ऑशविट्स बिर्केनाउ करके है पोलैंड का, यहाँ लार्जेस्ट नाजी कॉन्सेंट्रेशन थे, यहाँ नाजी लोग बहुत ज्यादा थे, और आपको तो पता है कि हिटलर जो नाजीज को मारता था, तो हम कहेंगे लार्जेस्ट नाजी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे देखने मिला है, एक्सटर्मिनेशन देखने मिला है, यहाँ पे कैंप ऑफ वॉर है वर्ल्ड वॉर टू के, और कुछ कैंप बने थे, वो चीजें दिखाने के लिए लोगों को एनुअली वहां पे लेके जाते हैं कि आप देखो कि किस तरह से हिटलर मारता था, उसका होलोकॉस्ट देखो कि किस तरह से वो ज्यूज को एक जगह डाल के, ये सॉरी नाजी लोग जो थे वो ज्यूज को मारते थे, अगर मैंने ऐसा बोला होगा कि नाजी लोगों को मारते थे तो ये गलत मैंने बोला, ठीक है बोलने में, बट ज्यूज को नाजी यानी हिटलर की जो नाजी पार्टी है वो लोग उनको मारा करते थे, तो उनके कुछ कॉन्सेंट्रेशन कैंप है वहां रख के किस तरह से मारते थे, ये दिखाने के लिए लोगों को लेके जाते हैं, दिस इज रॉन्ग हिस्टोरिकल इवेंट, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डार्क टूरिज्म। तीसरा जो आपको देखने मिल रहा है वो है पोम्पे इटली में, एक एंशियंट सिटी है पोम्पे की, जहां पे हम कहेंगे माउंट वेस्यूवियस जो है वो
79 एडी में वहां पे इरप्शन हुआ था, वहां पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, जिस कारण रोमन एम्पायर जब तब हुआ करता था उसमें बहुत लोगों की डेथ हुई थी उस वोल्केनो के अचानक इरप्ट होने के कारण। वहां पे भी लोगों को दिखाने ले जाते कि यहाँ पे किस तरह से वोल्केनो का इरप्शन हुआ, यहाँ कितने सारे लोगों की डेथ हुई, यहाँ इतने लोगों की डेथ हुई है, ये इसके अंदर चले गए हैं, ऐसी सब चीजों का वहां भी टूरिज्म चलता है, जो कि एक और एग्जांपल है डार्क टूरिज्म का। तो अभी हम केरला में ये चीजें ना करें तो ही अच्छा है कि डिजास्टर हुआ है, देखिए किस तरह से होता है, लैंडस्लाइड कैसा हुआ है, कितने लोगों की जाने गई है, ऐसे वक्त टूरिज्म को रोकना होगा। यही सोशल मीडिया पे पुलिस वालों ने पोस्ट किया है। तो ये एक और न्यूज थी जिसके जो रिलेटेड थी डार्क टूरिज्म से, और डार्क टूरिज्म की जो न्यूज थी इसका सोर्स था NDTV। उसके बाद हम अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को लेके। अब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है इसका एग्जाम ये सबसे पहले एनवायरमेंट से जाता है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि एनवायरमेंट से क्वेश्चन हर साल आते ही है। तो ये एक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, और ये जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में है, MP में है। कंटेक्स्ट ये है कि बहुत सारी केसेस आई है टाइगर के डेथ की, बहुत सारे टाइगर्स की डेथ हुई है, इंसिडेंट्स आए हैं हंटिंग के मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से। वहां से खबरें आई है कि बहुत सारे टाइगर्स की डेथ हो गई है, वहां से खबरें आई है कि बहुत सारे टाइगर्स की हंटिंग हो रही है वहां, और वहां के जो सराउंडिंग फॉरेस्ट डिविजन है वहां, इसीलिए वहां पे अब अच्छे से नजर रखी जा रही है, और ये पूरा जो बांधवगढ़ है ये अब न्यूज में आ गया है। चलिए बैकग्राउंड देखते हैं। रिपोर्ट जो होती है वो ये कह रहा है कि टाइगर की जो केसेस है उसको हैंडल अच्छे से नहीं किया जा रहा है, काफी नेग्लिजेंस देखने मिल रहा है, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी बहुत अच्छे से नहीं देखने मिल रहा है उस एरिया में। मध्य प्रदेश जो है इट इज नोन एज टाइगर स्टेट, वहां सबसे ज्यादा शेर है, उसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। उसके बावजूद मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं होना कि अब टाइगर्स के मारे जाने की घटनाएं होना, ये ठीक नहीं है। अब बांधवगढ़ में ये सबसे ज्यादा देखने मिल रहा है, इसलिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये न्यूज में आया। चलिए मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। ये है मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। ये देखिए बांधवगढ़, कटनी बांधवगढ़ ये है, यहाँ सातपुड़ा है, ये अलग अलग है, ये कान्हा यहाँ पे आता है, कान्हा नेशनल पार्क, यहाँ पेंच नेशनल पार्क, ये पूरे नेशनल पार्क से जो आपको ग्रीन में दिख रहे हैं, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टाइगर रिजर्व ये सब है, जैसे पेंच टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे पन्ना है, यहाँ बांधवगढ़ है सर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये संजय घासीदास है, ऐसे अलग अलग है, अचानक मार है, ताड़ोबा है, ये चंद्रपुर का, ये इतना जो पोर्शन आता है ये महाराष्ट्र का आ जाता है, उसको ही लग के ये मध्य प्रदेश है। पेंच दोनों में आता है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलो तो ये सब आपको पता चलता है। चलो बांधवगढ़ के बारे में सबसे पहले जानते हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने मिलता है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है। दूसरा, ये हार्ट ऑफ इंडिया में आता है। मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल यानी हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये जो बांधवगढ़ है ये विंध्यन रेंज, जो विंध्या की रेंज है, और दूसरा सातपुड़ा हिल रेंज, इसके बीच में आपको देखने मिलता है। तीसरा, बांधवगढ़ जो है वहां पे हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी है पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा टाइगर की डेंसिटी बांधवगढ़ में देखने मिलती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा नंबर्स, बट सबसे ज्यादा डेंसिटी। सबसे ज्यादा डेंसिटी कैसे देखने मिलेगी? तो सबसे ज्यादा डेंसिटी तब आएगी जब टाइगर्स जो है वो कम एरिया में ज्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी कब ज्यादा होती है? जब कम एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन देखने मिलते हैं, तो दैट इज द रीजन। फोर्थ आपको देखने मिलता है, जो कोर एरिया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का, वो एरिया 716 स्क्वायर किलोमीटर का है। और उसी के साथ साथ पांचवा पॉइंट आपको ये बता दूं कि टाइगर्स के अलावा वहां बाकी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज भी है, जैसे कि लेपर्ड्स है, डियर है, लंगूर है, और बाकी काफी सारे बर्ड स्पीसीज भी है। अगली आपको बात बता देता हूँ, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो होता है इसको नेशनल पार्क बनाया गया था 1968 में। उसके बाद 1993 में इसको हम कहेंगे कि इट वॉज डिक्लेयर एज टाइगर रिजर्व। तो पहले इसको नेशनल पार्क बनाया गया था 1968 में, 1993 में टाइगर रिजर्व बन जाता है। और रिजर्व इज ऑल्सो क्रिस क्रॉस बाय सेवरल स्मॉल रिवर्स, है ना, छोटे छोटे रिवर्स है, जैसे कि यहाँ पे चरण गंगा नदी यहाँ से बहती है, या फिर दामर नदी यहाँ से बहती है, जोहिला रिवर यहाँ से बहती है, ऐसी छोटी मोटी नदियां भी आपको बांधवगढ़ से बहते हुए दिखती है। कंजर्वेशन चैलेंजेस क्या है बांधवगढ़ में, क्या चैलेंजेस देखने मिलते हैं बांधवगढ़ में? जो चैलेंजेस है वो है माइनिंग एक्टिविटीज। बांधवगढ़ में बहुत सारी माइनिंग चल रही है, जिस कारण वहां के स्पीसीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जा रहे हैं, क्योंकि लोग माइनिंग कर रहे हैं, और माइनिंग करने के कारण जंगल के जंगल में माइनिंग हो रही है। दूसरा है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। हिस्टोरिकली जो गांव है, गांव में कहीं ना कहीं टाइगर घुस जाते हैं, लेपर्ड घुस जाते हैं, और गांव वाले फिर इनको
पकड़ना मारना ये सब करते हैं, इस कारण भी वहां के वाइल्ड लाइफ को खतरा है क्योंकि ये लोग वाइल्ड लाइफ जो है ये गांव में घुस जाते हैं। तो इस तरह से बांधवगढ़ जो है वहां पे काफी हंटिंग और टाइगर की पॉपुलेशन कम होते हुए दिखे, इसलिए ये न्यूज में रहा। और बांधवगढ़ जो है इसका जो सोर्स था, ये बांधवगढ़ वाला करंट अफेयर का वो था NDTV। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर की ओर, और अगला करंट अफेयर है यामिनी कृष्णमूर्ति जी को लेके। यामिनी कृष्णमूर्ति एक भरतनाट्यम की वन ऑफ दी बेस्ट डांसर्स मानी जाती है, एकदम ऐसा समझ जाओ मास्टर है। बट इनकी डेथ हो गई है, तो चलिए ये बहुत दुखद घटना है कि यामिनी कृष्णमूर्ति जो है उनकी डेथ हो गई है, 83 इयर्स की वो थी। चलिए उनके कुछ डांस देख लेते हैं किस तरह से वो डांस करते थे। ये है यामिनी कृष्णमूर्ति जी के बहुत पहले का वीडियो, यहाँ पे आप देख रहे कि वो क्लासिकल डांस करते हुए आप देख सकते हैं उनको, ठीक है। तो क्लासिकल डांस करने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लगती है और इसके लिए बहुत मास्टर होना चाहिए, इसके लिए एक्सप्रेशंस, इनके स्टेप्स, हर चीज को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत लगती है, तभी इतने एक्सप्रेशंस, इवन आई एक्सप्रेशंस भी आप देख सकते हो, उनके मुद्राएं देख सकते हो, हाथ की जो मुद्राएं वो कर रही है, यहाँ पे आप उनके फिट देख सकते हो, हर चीज के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लगती है और ये बहुत बड़ी मास्टर थी भरतनाट्यम, वन ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म्स। यामिनी कृष्णमूर्ति जी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कहां पे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आर्ट एंड कल्चर में। यहां पे आप देख रहे कि वेटरन भरतनाट्यम डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति, इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 83 इयर्स। अवार्ड्स और ऑनर्स जो उनको अब तक मिले हैं, उनको पद्मश्री मिला था बहुत यंग एज में, इतने कम एज में पद्मश्री मिलना ने बहुत बड़ी बात थी, सिर्फ 28 साल की थी यामिनी कृष्णमूर्ति जी जब उनको पद्मश्री दिया गया था, और ये 1978 में हुआ। पद्म भूषण उनको मिला 2001 में, उनको पद्म विभूषण भी मिला 2016 में, यानी इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये तीनों अवार्ड दिए गए हैं। इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था 1977 में, तो सोचिए पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के अलावा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी उनको दिया गया था 1977 में। बहुत ही बढ़िया क्लासिकल डांस फॉर्म वो करती थी, हमारे बीच नहीं रही बट उनके डांस आज भी और उनका नाम कभी भी हमारे हिस्ट्री से डिलीट नहीं हो सकता, हम हमेशा उनको याद रखेंगे। भरतनाट्यम की बात करते हैं, भरतनाट्यम क्या है, तो भरतनाट्यम सबसे पहले तो तमिलनाडु का एक डांस फॉर्म है, ठीक है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, अब देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति जी के कारण क्लासिकल डांस फॉर्म्स न्यूज में आ गए, आर्ट एंड कल्चर में आप क्लासिकल डांस फॉर्म्स पढ़ते हैं। क्लासिकल डांस फॉर्म जो है अलग अलग स्टेट में है, अगर हम साउथ की बात करें तो केरला में, यहाँ पे आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ, केरला में आपको दो क्लासिकल डांस फॉर्म देखने मिलते हैं, एक है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम के अलावा दूसरा है कथकली, ये दो डांस फॉर्म है केरला के, ये अच्छे से याद रखना क्योंकि मैच द पेयर में आपको क्लासिकल डांस फॉर्म और स्टेट्स या फिर करेक्ट पेयर्स आपको ढूंढने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा जो आपको देखने मिलता है, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में आपको भरतनाट्यम देखने मिलता है, भरतनाट्यम। उसी के अलावा अगर हम बात करें तीसरा आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में आपको देखने मिलता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी तो ये एक है। उसके अलावा अगर हम बात करें ओडिशा की, ओडिशा तो ओडिशा में आपको देखने मिलता है ओडिसी। उसके अलावा हम बात करें आसाम की, तो आसाम में आपको देखने मिलता है सत्रिया, सत्रिया एक मिनट। अगर हम बात करें सिक्स्थ इस पे एक और स्टेट जो है वो जैसे कि यूपी की, तो यूपी में आपको कथक देखने मिलता है, कथक। तो इस तरह से है मोहिनीअट्टम, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिया, कथक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्लासिकल डांस फॉर्म्स जो है हमारे देश में आपको देखने मिलते हैं। अब सात है कि आठ भी है, क्योंकि एक और है, उसका नाम क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। तो वो नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है, मैंने तो आपको पूरे बता दिए बट इसमें से एक मैंने छोड़ दिया है या नहीं ये आपको सोचना है, और अगर छोड़ा है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, नहीं छोड़ा है तो ठीक है कोई बात नहीं, बट मैंने आपको दोनों चीजें बताई है, ठीक है, कि एक और जगह का रह सकता है। अब यहाँ पे देखो हिंट दे देता हूं, वो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का एक और स्टेट है जहां का एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, उस स्टेट का नाम और उस क्लासिकल डांस फॉर्म का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए भरतनाट्यम की बात करते हैं, भरतनाट्यम की बात करेंगे तो तमिलनाडु, भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु में ओरिजिनेट होता है, इट इज कंसिडर्ड टू बी ओवर 2000 इयर्स ओल्ड, है ना, 2000 साल पुराना है ये भरतनाट्यम।
तो भरतनाट्यम 2000 साल पुराना रहने के अलावा ये तमिलनाडु का ये आपको सबसे पुराना क्लासिकल डांस फॉर्म है भरतनाट्यम, ठीक है, ये है। चलिए, तो मुझे पता है कि पढ़ते पढ़ते कभी कभी अपने दिमाग में रह जाता है यार कौन सा है कौन सा है, तो डिस्टरबेंस हो जाता है। ठीक है, डिस्टरबेंस को मैं ही दूर कर देता हूँ। वो जो स्टेट का मैंने नाम बताया वो था मणिपुर, और डांस है मणिपुरी। ठीक है, तो ये आपको पता होगा या नहीं होगा ये नहीं पता, बट आपको ये सब पता रहने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके डांस फॉर्म्स। उसके अलावा काफी सारी टेक्स्ट जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कही गई है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है जो कि बहुत एंशियंट टेक्स्ट है, उसमें भरतनाट्यम का जिक्र किया हुआ। इन द अर्ली 19th सेंचुरी तांजोर, तांजोर में जो रूलर्स थे उन्होंने पैट्रनेज दिया था, वो थे राजा सरफोजी। राजा सरफोजी जो थे तांजोर के, उन्होंने ऐसा कहते कि भरतनाट्यम डांस को बहुत ऊपर तक उठाया उस टाइम पे, और उन्हीं के कारण भरतनाट्यम इतना ऊपर आ पाया। स्टाइल जो है इसको अलाइव रखा था देवदासी ने। देवदासिया ने पहले टेम्पल्स में लड़कियों को डांस कराया जाता था, उनको डांसर करके रखा जाता था। इस सिस्टम को देवदासी कहते थे, जिसमें यंग गर्ल ऐसा कहते थे कि ये गिफ्टेड है और ये भगवान की दासी है, यानी भगवान के लिए ये काम करती है। तो ये उसी टेम्पल में रहती थी, हु आर मैरिड टू गॉड्स, और ऐसा कहती थी उनकी शादी भी हो चुकी है उस भगवान से, इसलिए वो उसी टेम्पल में रहेगी उन भगवान के साथ और वहीं पर डांस करेगी। देवदासी नाम की प्रथा तो हमने खत्म कर दी, बट देवदासी प्रथाओं में जो लड़कियां डांस करती थी वही डांस को हमने प्रिजर्व किया, और वो हमारे देश का एक क्लासिकल डांस फॉर्म में से एक बन जाता है भरतनाट्यम। अब यहाँ पे आते हैं, तो डांस जो है इसको एकाचार्य भी कहते हैं, यानी एक ही डांसर जो होता है वो बहुत सारे रोल करता है, इसको एकाचार्य कहते हैं। तो ये सी यहाँ पे लिखा नहीं है एक्चुअली, तो ये एक ही रोल, एक व्यक्ति जब बहुत सारे रोल करता है एक डांसर, तो उसको एकाचार्य कहते हैं। और दूसरा ऑर्केस्ट्रा भी होता है उसमें, यानी उसमें म्यूजिक भी होता है जिसमें वोकलिस्ट होते हैं, गाना गाने वाले, मृदंगम बजाने वाले होते हैं, ढोल की तरह होता है मृदंगम जो दोनों तरफ से बजाया जाता है हम कहेंगे कि हाथ से। उसी के अलावा वॉयलिनिस्ट भी होते हैं जो वॉयलिन बजाते हैं, वीणा बजाई जाती है, फ्लूट बजाए जाते हैं, सिम्बल्स बजाए जाते हैं, मंजीरा, ये सब बजा के वहां पर डांस चलता है। पर्सन जो डांस के रिसाइटेशन करता है, जो डांस करता है और वो बोल बोलते रहता है, उसको कहते हैं नट्टुअनर। नट्टुअनर कहके उसका नाम होता है। तो ये साउथ, यानी हम कहेंगे तमिल लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो भरतनाट्यम जो है इसके जाने माने डांसर जो है उनका नाम था यामिनी कृष्णमूर्ति, उनकी डेथ हो चुकी है 83 ईयर्स में, इसीलिए हमको ये करंट अफेयर्स में भरतनाट्यम आ चुका और इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। भरतनाट्यम आ गया तो एक टॉपिक खुल गया आपका आर्ट एंड कल्चर से, वो है क्लासिकल डांस फॉर्म। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ भरतनाट्यम से क्वेश्चन आने के चांस है, क्वेश्चन किसी भी क्लासिकल डांस फॉर्म से आ सकते हैं। तो क्लासिकल डांस फॉर्म्स आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ के रखिएगा। तो इसका जो सोर्स था वो था द हिंदू। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं, और अगला करंट अफेयर है बेली ब्रिज। अब ये बेली ब्रिज होता क्या है, बेली ब्रिज जो होता है ये आपको बता देता हूं कि ये तुरंत तुरंत बनाया जाता है। जब भी लैंडस्लाइड के कारण ब्रिजेस टूट जाते हैं तो हमें एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए तुरंत ब्रिज खड़ा करना पड़ता है। ऐसे ब्रिज तुरंत तुरंत खड़े किए जाते हैं जिसको बेली ब्रिज कहते हैं। बेली ब्रिज का एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। सो इस तरह से बेली ब्रिज होता है जिसको बनाया जाता है। ये जो हम न्यूज ले रहे हैं, ये जो वीडियो लिया है इसका सोर्स News9 है, ठीक है, और इसमें आप बेली ब्रिज का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं किस तरह से बेली ब्रिज बनाया जाता है। आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कुछ कि किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए तुरंत तुरंत कंस्ट्रक्शन चलते हैं, आर्मी वाले ये ब्रिज को बनाते हैं, इस तरह का ये ब्रिज होता है, तुरंत तुरंत बनाना पड़ता है क्योंकि इस एंड से उनको दूसरे एंड पे पहुंचना है क्योंकि पूरे ब्रिजेस टूट चुके हैं। तो ऐसे वक्त ये बेली ब्रिज तुरंत खड़े किए जाते हैं। तो बेली ब्रिज ये बनाया जाएगा और आर्मी इसको बनाती है, रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाती है हमारी आर्मी। आर्मी को बहुत सारे ये ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाने पड़ते हैं। तो आप देखिए बेली ब्रिज, अभी जो आपको मैंने वीडियो दिखाया वो वीडियो से आपको बेली ब्रिज क्लियर हो गया। अब यहाँ ये बेली ब्रिज आता कहाँ है करंट अफेयर, ये करंट अफेयर सबसे पहले GS3 में आपको देखने मिलता है। तो GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर से एक न्यूज आपको देखने मिलती है। न्यूज में इसीलिए रहा क्योंकि इंडियन आर्मी के मद्रास इंजीनियर ग्रुप, आपको पता है इंडियन आर्मी में इंजीनियर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स की पोस्ट होती है क्योंकि इंजीनियर्स डॉक्टर्स ये सब पोस्ट इंडियन आर्मी में भी होती है। तो इंडियन आर्मी के मद्रास इंजीनियर ग्रुप जो होते हैं उन्होंने 190 फीट का एक बेली ब्रिज बनाया है, चुरलमाला करके है, क्योंकि अब वहां से बनाया गया है चुरलमाला में क्योंकि वहां से पहुंचना है इनको मुंडक्कई विलेज में, क्योंकि डेडली लैंडस्लाइड हुए केरला में वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए बेली ब्रिज बनाया गया है। अब बेली ब्रिज क्या होता है क्या नहीं, ये सबसे पहले देखते हैं। अबाउट बेली ब्रिज, इट इज मॉड्यूलर,
प्री फैब्रिकेटेड ब्रिज, तो पहले से ही उसके बहुत सारे पार्ट्स बने होते हैं। जैसे आप समझ जाओ, आप एक बचपन में खिलौना लाते हो, उसके पार्ट्स को जोड़ के आप डायरेक्टली कुछ तो भी खड़ा कर देते हो, वैसे इसके पार्ट्स बने होते हैं, सिर्फ उसको तुरंत तुरंत वो जोड़ के खड़ा करना पड़ता है। तो ये प्री फैब्रिकेटेड ब्रिज होता है जिसको डिजाइन किया जाता है क्विक असेंबली के लिए, मिनिमल कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत कम लगता है, तुरंत तुरंत पार्ट्स लाके जोड़ दो, ब्रिज खड़ा कर दो। इसको इन्वेंट किया था डोनाल्ड कोलमैन ने, इनका नाम डोनाल्ड कोलमैन बेली था, इसलिए इस ब्रिज को बेली ब्रिज कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के वक्त बनाया जाता था, वर्ल्ड वॉर सेकंड में तुरंत आपको एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचना है, तो इन्होंने ऐसा ब्रिज बनाया था जो तुरंत रखो और आप पहुंच जाओ, और बहुत इजीली हमारे जो वर्ल्ड वॉर टू में जो भी सोल्जर्स थे हमारे, नहीं जो भी देशों के थे, वो जल्दी जल्दी पहुंच सकते थे। हिस्टोरिकल लिंकेज की अगर बात करें तो इसको ओरिजिनेट ये हुआ था 1941 में अलाइड आर्मीज में, अलाइड आर्मीज में इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, ये सब जो देश है ये थे अलाइड आर्मीज में। दो आर्मीज ने वर्ल्ड वॉर सेकंड लड़ा था, एक तरफ थे अलाइड और दूसरे तरफ थे एक्सिस। एक्सिस में जर्मनी, इटली, जापान, ये सब लोग थे, तो अलाइड वर्सेस एक्सिस ऐसी एक वर्ल्ड वॉर थी, तो इसमें अलाइड आर्मीज ने इसे यूज किया था। ब्रिटिश फील्ड मार्शल लॉर्ड माउंट गोमेरी करके है, ठीक है, इनके नाम भी काफी अलग अलग होते हैं, कभी मॉन्टेग्यू देखने मिलता है, तो ये माउंट गोमेरी करके है, तो इन्होंने वर्ल्ड वॉर एफर्ट्स में इसका यूज किया है, इस तरह से देखने मिलते हैं। तो हाउ इट वर्क्स, इसमें पहले प्री फैब्रिकेटेड स्टील के पैनल्स होते हैं जो पिन जिसमें होते हैं, पिन से इसको लिंक करना पड़ता है, तो ये पिन से लिंक होते हैं, बीम्स होती है डेक पे रखी जाती है और उसको फिर लॉक कर देते हैं और स्टेबिलिटी होती है उसमें। दिस हेल्प एस्टेब्लिश गार्ड रेल्स ऑन द ब्रिज, ये रेल और ये सब भी डालते हैं, वहां से भी आप वहां से रेल को भी लेके जाते हो, बहुत सारी चीजें होती है, गार्ड रेल डाल के उससे लोग जा सकते हैं, गाड़ियां जा सकती हैं, यानी हम कहेंगे कि छोटी मोटी गाड़ियां भी आप भेज सकते हैं। कंपोनेंट्स लाइट होते हैं, मोबाइल होते हैं, जल्दी जल्दी इधर से उधर लेके जा सकते हैं, जल्दी असेंबली होती है, ट्रांसपोर्टेशन जल्दी होता है। इंडिया में इसका यूज कहाँ होता है, बेली ब्रिज जो है ये ब्रिटिश लीगेसी से ही हमारे इंडिया में, ब्रिटिश जब से इंडिया में उन्होंने तब से ही बेली ब्रिज इंडिया में इंट्रोड्यूस करके रखा है। इसको 1971 के वॉर में भी यूज किया था जब हम पाकिस्तान के साथ वॉर लड़े थे, क्योंकि हमको कुछ इक्विपमेंट्स सोवियत यूनियन से लाने पड़े थे, सोवियत यूनियन से जब हमने इक्विपमेंट्स लाए थे तो हमने कुछ बेली ब्रिज बनाए थे, उस पर से हम इक्विपमेंट्स लाते थे 1971 के पाकिस्तान वॉर के वक्त। इंपॉर्टेंस क्या है केरला के कंटेक्स्ट में, 190 फीट का बेली ब्रिज बनाया गया है, जैसे कि अभी आपको वीडियो में मैंने बताया, और यहाँ से मशीनरीज, यहाँ से एम्बुलेंसेस, यहाँ से लोगों का आना जाना यहाँ से कराया जा सकता है। वेट कैरिंग कैपेसिटी इसकी 24 टन की है, बहुत ज्यादा वेट आप नहीं लेके जा सकते हैं, एंड विल रिमेन इन यूज अंटिल परमानेंट ब्रिज इज बिल्ट, है ना, तो ये तब तक यूज होते रहेगा अभी जब तक वहां पे परमानेंट ब्रिज नहीं बन जाता। बहुत सारे ब्रिज टूट गए लैंडस्लाइड के कारण, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम गई है, अब हमें बेली ब्रिज पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। तो इस तरह से बेली ब्रिज को लेकर भी एक करंट अफेयर आपको देखने मिला, और बेली ब्रिज जो है इसका जो सोर्स था ये था इंडियन एक्सप्रेस। तो ये है आपका करंट अफेयर आज के जो आपने पढ़े। अब टाइम है आपके एमसीक्यूज को सॉल्व करने का। आज हमने पढ़ा बेली ब्रिज, उसके पहले हमने पढ़ा था यामिनी कृष्णमूर्ति जी के बारे में, उसके पहले हमने पढ़ा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में, हमने पढ़ा डार्क टूरिज्म, हमने पढ़ा लैंडस्लाइड्स इन वेस्टर्न घाट्स। अब देखते हैं एमसीक्यूज, आज के जो एमसीक्यूज है उसका जो पहला क्वेश्चन हमें देखने मिल रहा है वो है, अच्छे से याद रखना है जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसको, उसका आंसर सही देना है, कमेंट सेक्शन में जाके आंसर लिखना है। विद रेफरेंस टू डार्क टूरिज्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट देखिएगा क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज डार्क टूरिज्म इज एसोसिएटेड विद डेथ, सफरिंग एंड ट्रेजेडी। सेकेंड, डार्क टूरिज्म एनकम्पेसेस travel to sites linked to events such as genocide, assassination, incarceration, ethnic cleansing, war, natural disasters. Third is Chernobyl disaster has become prominent dark tourism destination with guided tourist tours available. Sorry, which of the statement given is or are correct above, is or are correct? First one only, second one and two only, third two and three only, या fourth one, two and three, जो सही option लगता है comment section में लिखेंगे। Second question है, बांधवगढ़ tiger reserve recently seen in news is located in, first option is Maharashtra, second is Madhya Pradesh, third is Tamil Nadu and fourth is Assam, बांधवगढ़ tiger reserve। फोर्थ है, ये जो क्वेश्चन है ये अभी आपको बहुत इजी लग रहा है, बट ऐसे क्वेश्चन अगर बिना आप यामिनी कृष्णमूर्ति जी के बारे में पढ़े एग्जाम में गए रहते तो काफी कंफ्यूज कर दिया रहता इस क्वेश्चन में। अभी हमने पढ़ लिया इसलिए आपको ये इजी लगेगा, इसलिए पता चलता है कि करंट अफेयर्स को रेगुलरली पढ़ना जरूरी होता है। यामिनी कृष्णमूर्ति कौन से क्लासिकल डांस फॉर्म के लिए जानी जाती है? पहला है कुचिपुड़ी, दूसरा है मोहिनीअट्टम, तीसरा है भरतनाट्यम और चौथा है कथकली। सही ऑप्शन जो आपको लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं देखूंगा कितने लोगों के आंसर्स करेक्ट निकलते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर, हम कल फिर
फिर से करंट अफेयर में मिलेंगे। सो अच्छे से करंट अफेयर को रिवाइज करते चलिए, क्वेश्चन के आंसर देते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर और जय हिंद।